चंडीगढ़ मेयर चुनाव की बात करते हैं। जाओ पूरा मामला जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में यहां पर जाता हुआ अब दिख रहा है। इसमें कोर्ट में हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी ने कल चंडीगढ़ मेयर चुनाव के परिणामों को रद्द करने और हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में नए सिरे से चुनाव कराने को लेकर याचिका दाखिल की थी। इससे पहले कल बीजेपी के पार्षद मनोज सोनकर चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर चुन लिए गए और उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं कुलदीप टीटा उनको 4 वोटों से हरा दिया। मेयर चुनाव के लिए सांसद और 35 पार्षदों ने वोट डाले, 16 वोट पड़े बीजेपी के पक्ष में और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार को 12 वोट मिले जबकि 8 वोट रद्द किए गए। बस इन्हीं 8 वोट पर घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वीडियो रिकॉर्डिंग के बिना पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजाली, चंडीगढ़ में जो सब कुछ हुआ अब ये पूरा मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है, आज सुनवाई है, आगे इसका पटाक्षेप क्या होता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर आप और कांग्रेस से धांधली का आरोप लगा रही है चुनाव में। जी देखिए, इस मेयर के चुनाव होने से पहले और चुनाव पहले 18 फरवरी को था, उसके बाद 18 जनवरी को था और उसके बाद जो है तारीख बदलते बदलते जो है ये 30 जनवरी को हुआ और इस बीच में जो है कांग्रेस और आपके जो काउंसलर्स हैं वो हाई कोर्ट 3-4 बार जा चुके थे। कल जब ये रिजल्ट आया है उसके फौरन बाद शाम में ही वो पिटीशन हाई कोर्ट में लग गई। आज अर्जेंट हियरिंग है और सबसे पहले कोर्ट के जो प्रक्रिया होती है उसमें यही लगता है कि वो जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कल के पूरे मामले का जवाब मांगेगी और खास करके जो वीडियो एविडेंस की बात आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पार्षद कर रहे हैं उसी वीडियो एविडेंस का ही हवाला जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी भी दे रहे हैं कि कैसे सारी प्रक्रिया जो है वो कैमरे के सामने हुई है। तो दोनों ही पक्ष अपने अपने बात पर अड़ा हुआ है। कोर्ट में ही ये देखना होगा कि क्या कोर्ट उन 8 वोटों के अवैध होने पर क्या फैसला सुनाता है, क्या उन 8 वोटों के अवैध होने के सबूत मांगता है या दोबारा से वोटिंग करवाने की बात कहता है या नहीं, अब ये कोर्ट की दलील पर ही निर्भर करेगा।